नमस्कार दोस्तों, दैनिक आगाज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज ईद उल फितर का मौका हो रहा है तो हम हैं हज़रत ख्वाजा गनी नाथ की बारगाह में, जहां पर आपको दिखाएंगे पूरा लाइव। और इस मुबारक मौके पर हज़रत ख्वाजा गनी नाथ की दरगाह में दरवाज़ा खोला जाता है और एक खास दुआ यहां पर की जाती है। यूसी चंद हज़रत ख्वाजा गनी नाथ की बारगाह में आज ईद उल फितर है और ईद उल फितर के मौके पर यहाँ पर लाखों ज़ायरीन है वो अजमेर आते हैं और यहाँ पर ईद उल फितर की नमाज अदा करने के बाद एक जन्नती दरवाज़ा है वो खोला जाता है। आपको दिखा देंगे जन्नती दरवाज़ा। ये जन्नती दरवाज़ा साल में चार मरतबा खोला जाता है, ईद और बकरीद के मौके पर। वहीं ये जन्नती दरवाज़ा हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी के मौके पर और हज़रत ख्वाजा गनी नाथ के मौके पर खोला जाता है। और यहाँ पर है जो लाखों ज़ायरीन आते हैं और यहाँ पर इस दरवाज़े से निकालते हैं और यहाँ पर अपने आप को जन्नती मानते हैं। दरवाजे से निकलने वाला अपने आप को जन्नती मानता है। ख्वाजा गनी नाथ की बारगाह है, यहाँ पर सभी धर्मों की कौम के लोग आते हैं। आपको दिखाते हैं यहाँ पर किस तरह के लोग हैं। यहाँ ईद उल फितर का दिन है और यहाँ पर जो जन्नती दरवाज़ा है वो यहाँ पर खोला गया है। सुबह 4 बजे ये जन्नती दरवाज़ा खोला जाता है। आज ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में जितने भी यहाँ पर ज़ायरीन थे, अजमेर शरीफ के लोग यहाँ पर मौजूद थे, खुद्दाम ख्वाजा सभी ने एक दूसरे को यहाँ पर मुबारकबाद दी। यहाँ पर ईद की नमाज़ सब ने अदा की और इस ख़ास मौके पर जन्नत दरवाज़ा दरबार में खोला गया, जिसमें तमाम ज़ायरीन आकर के यहाँ पर दूर दूर से तवाफ़ लगा रहे हैं। ये दोपहर जोहर तक खुला रहेगा, ज़ायरीन यहाँ पर आकर के तवाफ़ लगाते रहेंगे। इसके बाद 6 दिन के बाद में ख्वाजा साहब के दरबार में वापस जन्नत दरवाज़ा खोला जाएगा 6 शवाल के दिन। उस दिन ज़ायरीनों की तादाद ज़्यादा होगी और दूर दूर से ज़ायरीन आकर के यहाँ पर तवाफ़ लगाएंगे और अपने मन्नतों के धागे बांधेंगे, मन्नतों के धागे खोलेंगे। गरीब नवाज़ के दरबार में ये सिलसिला हमेशा चलता रहता है। गरीब नवाज जिसको बुलाते हैं उस वक्त पहुँच जाते हैं यहाँ पर। तो आज गरीब नवाज़ के दरबार के ना जिस ज़ायरीन को बुलाया हुआ होगा, उनके आशिकों को बुलावा है, वो आज आ गए हैं और जिनको 6 दिन के बाद में बुलावा होगा वो 6 दिन के बाद में आएँ। ख्वाजा साहब के दरबार में हमेशा यही मौका रहता है कि ख्वाजा साहब के जो चाहने वाले दूर दूर से ऐसे ख़ास मौक़ों की तलाश में रहते हैं, इंतज़ार में रहते हैं कि गरीब नवाज़ का कब उनको बुलावा हो, कब दरबार में हाजिरी हो। मैं दरबार ख्वाजा साहब सैयद कुतुबुद्दीन से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम अलैकुम। ईद उल फितर आलम इंसानियत को बहुत बहुत मुबारक हो। सरकार गरीब नवाज की बारगाह में ईद के दिन फजर की नमाज के बाद में जन्नत दरवाज़ा खोल दिया जाता है। इसमें तमाम ज़ायरीन अकीदतमंदान तवाफ़ लगाते हैं। लोगों की ख्वाहिश होती है कि हम 7 मरतबा तवाफ़ लगाएं और तवाफ़ लगाने के बाद में दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमें जन्नत नसीब करे। और बारगाह गरीब नवाज में अंदर जाने के लिए खसूसी तौर पर वही दरवाज़ा है, इसलिए बारगाह गरीब नवाज को भी जन्नत से कम थोड़ी मानते हैं लोग, इसलिए उसी दरवाज़े से जाते हैं। सरकार गरीब नवाज जब हयात थे आप उसी दरवाज़े से बाहर जाया आया करते थे जो पश्चिम में है, और आते जाते वक्त वहाँ रुककर दुआ करते थे, या अल्लाह पाक मेरे बाद जो भी इस दरवाज़े से गुज़रे उसे जन्नती करना, इसलिए सलाम जन्नत दरवाज़ा है। मैं दुआ करता हूँ कि सैयद फ़ख्र काज़मी चिश्ती कि दुनिया में अमन शांति, भाईचारा, इत्तेफाक़, इत्तेहाद, मोहब्बत कायम रहे, खुसूसी तौर पर फिलिस्तीन की जंग बंद हो और इंसानियत का बोलबाला हो। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन शांति, भाईचारा, इत्तेफाक़, इत्तेहाद, मोहब्बत कायम रहे और जो नया पर्व आ रहा है इलेक्शन का, इसमें लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वोट डालें।
السلام علیکم. یہ دروازہ ہے کب تک کھلتا ہے؟ جنت دروازہ جو ہے سال میں چار بار کھلتا ہے، عید اور بقرعید کے دن، اور عید کی چھ تاریخ کو، چھ شوال کو خواجہ عثمان ہارونی کا عرس ہوتا ہے جب، اور ایک مرتبہ عرس میں چھ دن کے لیے کھلتا ہے، تین مرتبہ فجر سے ظہر تک کھلتا ہے، اور عرس میں چھ دن کنٹینیو کھلا رہتا ہے رات اور دن. اچھا،